नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं हलवा फिश की ग्रेवी। बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों ये, और एकदम इजी तरीके से बन जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सर का जार लिया है, इसमें हम डालेंगे फ्रेश किसा हुआ नारियल। यहाँ पे मैंने पूरा नारियल में से आधा नारियल यूज़ किया है दोस्तों। जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो वो हिसाब से आपको मिर्च डालना है। यहाँ पे मैंने 3 मिर्ची ली है। 7 से 8 हमें लेने हैं लहसुन की कलियाँ, एक बड़ा कटा हुआ टमाटर। अभी इसमें हमें एकदम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सर में इसका महीन पेस्ट बना के लेना है। यहाँ पे हमें कढ़ाई में लेना है तेल, 2 से 3 टेबलस्पून हमें तेल लेना है। 3 से 4 हम डालेंगे कुटा हुआ लहसुन, और इसी में हम डालेंगे ये बटन। यहाँ पे हमें ये मिश्रण को तेल में अच्छे से फ्राई करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे आप ग्रेवी में पानी कम डालिएगा पीसते समय, नहीं तो क्या होता है, अगर हम पानी ज़्यादा डालेंगे तो ग्रेवी पकने के लिए ज़्यादा टाइम लेती है। जब तक इसे तेल नहीं छूटता है तब तक हमें इसे अच्छे से तेल में फ्राई करके लेना है। ग्रेवी को हमें अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें ली है वो सारी कच्ची है, इसके लिए हमें इसे अच्छे से तेल में भून के लेना है। इसी में हम डालेंगे करी पत्ता, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो। ग्रेवी अच्छे से पक रही है, अभी इसमें हम डालेंगे कोकम। यहाँ पे आपके पास कोकम नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। इसी में हम डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर जो घर पे हम रोज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने गहरी मिर्ची भी इस्तेमाल की है तो लाल मिर्ची का पाउडर आप संभाल के डालिएगा दोस्तों। अभी फिर से हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से ये मिश्रण को भून के लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मिश्रण है वो अच्छे से एक साथ में आ रहा है, मतलब ये अच्छे से पक गया है, ये देखिएगा। अभी इसमें हम डालेंगे पानी। पानी आपको ग्रेवी कितना थिक पसंद है और कितनी पतली वो हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। अभी मीडियम गैस पर हम ग्रेवी को अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल करके लेंगे। यहाँ पर ग्रेवी है वो अच्छे से बॉयल हो गई है, अभी इसमें हम डालेंगे ये हलवा, ये हम अभी ये ग्रेवी में डाल देंगे। अभी हम गैस को मीडियम पे डालेंगे और 5 मिनट के लिए अच्छे से ग्रेवी और फिश को कुक करके लेंगे। यहाँ पे ग्रेवी और फिश अच्छे से पक गए हैं, हलवा फिश करी बन के रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू।